वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक फाउंडेशन का बहुत अच्छा तरीका लाई हूँ लगाने का। अगर आप इस तरह से फाउंडेशन को लगाते हो तो आपका मेकअप काला नहीं पड़ेगा, प्लस आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस ग्लोई नज़र आने वाला है, प्लस कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा, सुपर लॉन्ग लास्टिंग भी आप इसे कर सकते हो। मैंने अच्छे से ट्रिक्स बताया है तो आप पूरे ट्रिक्स को फॉलो करना। जिस तरह से मैंने फाउंडेशन को अप्लाई किया आपको वैसे ही लाइन से फाउंडेशन अप्लाई करना है, सही तरीके से अप्लाई करना है। आपका मेकअप कभी काला नहीं हो सकता, मैं 100% बोल सकती हूँ। और दूसरी बात, तो आपका मेकअप अगर बहुत ज़्यादा पैची होता है तो भी नहीं लगेगा, इवन स्किन टोन लगेगा। प्लस अगर आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, सभी ये ट्रिक अप्लाई करके इस तरीके से आप अगर फाउंडेशन लगाते हो तो आपका 102% मैं कह सकती हूँ कि आपका मेकअप काला नहीं होगा, चाहे किसी भी ब्रांड का आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें स्क्रब लेना है, ठीक है, फेस स्क्रब। आप कोई भी स्क्रब ले सकते हो जो भी आपके फेस पे सूट करता हो, ठीक है। अब मैंने अपने फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा स्क्रब निकाल लिया और उसको अच्छे तरह से अपने हाथ पे रब करते हुए अपने नोज़ और टी एरिया, जहाँ पे मुझे बहुत ऑयल की प्रॉब्लम होती है और डेड सेल्स की प्रॉब्लम होती है और जहाँ मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा काला पड़ता है, हट जाता है, वहाँ पर मैं थोड़े से अच्छे से स्क्रब को अच्छे से रब करूँगी, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से आपको पूरे अपने फेस पे इसको अच्छे से रब करना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा पानी बीच बीच में आप लेते रहना अगर आपका ड्राई हो जाए स्क्रब तो। फिर उसके बाद जब भी आप अच्छे से इसको स्क्रब कर लो ना, तो आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से ठंडे से पानी से आपको वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश के बाद आपको ना किसी भी टॉवल से अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है, टैप मोशन में करना है फ्रेंड्स, ताकि आपके फेस को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया ना, ये बहुत बड़ा हैक है फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ ना, छोटे से बॉटल में हमेशा फ्रिज में ऐसे ही रख देती हूँ और जब भी मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ ना उससे पहले मैं ये ट्रिक अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे अच्छे से टैप मोशन में। क्या करती हूँ ना, मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर इसको मैं धो के फिर से वैसे ही स्टोर कर देती हूँ अपने फ्रिज पे। बहुत अच्छा हैक है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी एक छोटा सा बॉटल अपने घर में ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्के हल्के टैप मोशन में क्या करूँगी, हटा लूँ। अब आपको ना एलोवेरा जेल लेना है। मैं तो समर्स में एलोवेरा जेल बहुत यूज़ करती हूँ, मेरी ऑयली स्किन है, इस वजह से मैं एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर भी यूज़ करती हूँ। इससे मेरा फेस काला भी नहीं पड़ता, मेकअप काला भी नहीं पड़ता और बहुत देर तक स्टे भी करता है, बहुत अच्छा ग्लोइंग शाइनिंग लुक दे देता है और बहुत स्टेइंग पावर भी इसमें बहुत अच्छा है, प्लस स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, रेडिएंट कर देता है। तो मैं इसे टैप टैप मोशन में क्या करूँगी ना, अच्छे से अपने पूरे फेस पर क्या करूँगी, लगा लूँगी, ठीक है, अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा से अच्छा एक शाइनिंग लाता है, देखो कितना अच्छा सा ग्लो लाया, एक लाइट ला देता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी ना, कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी। याद रखना फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टेप बोला है आपको वही करना, अभी मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है, बट मैं क्या करूँगी, कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने एलोवेरा जेल को अच्छे से क्या करूँगी, सेट कर लूँगी, ताकि मेरा फाउंडेशन जो है वो काला ना पड़े फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगी, अच्छे से इसको पहले से हल्का हल्का करके अपने फेस पे टैप टैप मोशन करके हमें क्या करना है, हल्का क्वांटिटी में क्या करना है फ्रेंड्स, हमको इसे अच्छे से एलोवेरा जेल के ऊपर अच्छे से इसको कवर अप करना है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, अब मैं लेने वाली हूँ फाउंडेशन, और मैंने मेबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन लिया है। आप कोई भी फाउंडेशन लेना अपने फेस पे के अकॉर्डिंगली ही लेना, ठीक है। मैं उसको अपने हैंड्स पे निकालूंगी, बहुत ही अच्छा होता है कि आप अपने हैंड्स पे निकालो तो इसे अप्लाई करने में बहुत इजी होता है। अभी देखो मैंने इतना सारा निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, कम क्वान्टिटी में, जितना आपको लगे आपको लगाना है। हमेशा नीचे क्रॉस करते हुए आपको फाउंडेशन को लेके आना है, कभी भी आपको ऊपर साइड फाउंडेशन नहीं लगाना है, आपको हमेशा अपने हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको फाउंडेशन हमेशा ही अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, आंखों के ऊपर भी मैं लगाती हूँ, आंखों के नीचे, ताकि मेरा अच्छे से कवर अप हो जाए, पूरा फाउंडेशन फुल कवर हो। और देखो हमेशा फाउंडेशन को ना नीचे साइड पर ब्लेंड करना फ्रेंड्स, ऊपर साइड पे आपको ब्लेंड नहीं करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है लिक्विड ज़्यादा, तो मैंने उंगली से थोड़ा थोड़ा इसको नीचे साइड पे ब्लेंड कर दिया। अब देखो मैं फाउंडेशन को अच्छे से नीचे नीचे साइड ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्रश बहुत ज़्यादा सूखा हुआ लगे तो आप थोड़ा सा उसमें पानी भी, हल्का सा पानी का छींटा भी लगा सकते हो, इससे और अच्छा ब्लेंड होता है आपका फेस, ठीक है। पहले आपको अनइवन लगेगा कि अरे मेरा फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है फाउंडेशन से, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे फाउंडेशन को ढंग से, तो आपके फाउंडेशन में कभी भी नहीं लगेगा कि आपने फेस पे फाउंडेशन लगाया है, ये अच्छे से अगर आपको ब्लेंडिंग करना आता हो तो। ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट टिप्स है आप लोगों के लिए।
अब मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है आँखों के नीचे उचे बहुत अच्छे से फाउंडेशन को मुझे थोड़ा ब्लेंड करना है, तो मैंने अपनी उंगली की हेल्प से थोड़ा थोड़ा उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि यह बहुत अच्छा कवर आए। और बहुत अच्छा कवर आने के साथ साथ मेरा मेकअप भी नहीं काला पड़ेगा। अगर आप इस तरह से फाउंडेशन लगाते हो तो मैं बोल सकती हूँ कि आपका मेकअप कभी भी काला नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको नेक और ईयर्स को कभी नहीं भूलना है, वहाँ पे भी आप फाउंडेशन अप्लाई करना। मुझे देखो वीडियो में जल्दी बताना था इसलिए मैंने आपको फेस पे ही दिखाया है, ठीक है। बहुत जल्दी मुझे वीडियो को एंड भी करना है। तो अब देखो मैं अच्छे से इसको पूरा फिल कर लिया, अब देखो मैंने ब्लेंड कर लिया, देखो कितना अच्छे से फाउंडेशन अब्जॉर्ब हो चुका है, ये बहुत सुपर स्टे भी हो गया, प्लस इसके साथ आपका ये कभी काला पड़ ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, ऐसे ही फाउंडेशन जैसे आपने लगाया फाउंडेशन वैसे ही लुक पे ये रहेगा। अब आपको इसके बाद आपको क्या करना है, मेकअप लुक कंप्लीट कर लेना है। तो मैं तो आपको थोड़ा सा मेकअप लुक कंप्लीट करके भी दिखा देती हूँ कि परफेक्ट मेरा मेकअप लुक इसके बाद कैसा आया। तो देखो मैंने इस तरह से कुछ मेकअप किया है। अगर आपको इस तरह से काजल भी लगाने नहीं आता है फ्रेंड्स, तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने बहुत ही अच्छा काजल लुक भी क्रिएट किया है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखो मेरा फाउंडेशन कितना ही अच्छा ब्लेंड हुआ और बहुत ही परफेक्ट लुक दे रहा है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करो फ्रेंड्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।